प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एंगल तो दे रखा है हमारे पास, हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ लाइन ये हम लिखते हैं टेंजेंट थीटा, लेकिन ये जो थीटा होता है वो एंगल मेड विद एक्स एक्सिस होता है। और यहां पे प्यारे बच्चों हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल है, वो किसके साथ दे रखा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक के चांस है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको समझें तो यहां पे कुछ इस तरह से कहा गया है कि जो लाइन है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। जो लाइन है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, किसके साथ? पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ वो जो लाइन है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ये एक्स एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस वाई वाई डैश। तो मींस ये जो एंगल है ये कितना है? 30 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल 30 डिग्री है और हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी? इसमें 90 प्लस कर देते हैं। सिंस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें कि सिंस द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, दिस इंप्लाइज एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, इसको अगर हम थीटा मान ले, अगर हम इस एंगल को थीटा मान ले तो कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री आ जाएगी। अब 120 डिग्री के लिए हमें इसको सोल्व करना है, क्योंकि जो लाइन एंगल बनाया है वो वाई एक्सिस के साथ है और हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर वो लाइन के साथ 30 डिग्री बना रही है, वाई एक्सिस के साथ लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा वो? 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री हमारे पास एंगल हो गया। अब आप क्या करेंगे? स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, जिस पर हम लिख देते हैं टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट 120 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 120 डिग्री के लिए 90 प्लस भी कर सकते हो और 180 माइनस भी कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों देखें, सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कि आर पॉजिटिव साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेकेंट, टेंजेंट एंड कोण कोस एंड सेकेंट। तो यहां पे तो टेंजेंट नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 180 केस में नो चेंज, तो ये टेंजेंट 60 हो गया। टेंजेंट 60 हमारे पास कितना होता है? √3, तो ये हो गया -√3। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे एंगल की ही बात है, क्योंकि उसने वाई एक्सिस के साथ एंगल गिवन है। अब ये हमारे पास 30 डिग्री है, अब देखो ये हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगी, तो ये हमारे पास 30 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री, ये राइट एंगल,
तो ये हमारे पास 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 60 का हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कितना आ गया 120 डिग्री का आ गया। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, और उसके लिए हम सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व सकते हो। वैसे तो सिंपल है हमारे पास कि वाई एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा 30 प्लस 90 यानी कि 120, और उसके लिए भी सोल्व सकते हो कर सकते हो। आप ऐसे करना चाहे तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स माइनस वन, हमारे पास फॉर विच द पॉइंट्स एक्स माइनस वन टू वन एंड 4, 5 आर कोलिनियर। तो प्यारे बच्चों हमें यह दिखाना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, अगर देखें सॉल्यूशन इसका देखते हैं। गिवन पॉइंट्स आर अगर इनको एबीसी मान लें, तो ए पॉइंट है हमारे पास एक्स माइनस वन, बी है हमारे पास 2, 1 एंड सी है हमारे पास 4, 5। ये 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स कौन कौन से, गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, मींस एक ही लाइन पे कौन कौन एक्स माइनस वन 2, 1 और 4, 5। तो अगर ये एक ही लाइन में, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी की स्लोप या बी सी की स्लोप इक्वल होगी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं y2 - y1 मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा 5 - 1 और ये 4 - 2। यहां से आ गया 2 / 2 - x और ये 4 / 2, तो 2 / 2 - x दैट इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 4 - 2x दैट इज इक्वल टू 2। -2x = 2 - 4, -2x = -2, 2x = 2 एंड x = 1। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, जिसके लिए जो पॉइंट्स है वो कैसे होंगे कोलिनियर होंगे। तो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसमें कहा गया विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये शो करना है ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं। बच्चों अगर हम इन पॉइंट्स को नाम दे दें, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें
यहां पे गिवन पॉइंट्स आर ए -2 -1, बी 40, सी 33 एंड डी -3 2। यहां से हमें ये शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम में, तो यहां पे ए लिख लेते हैं -2 -1, बी है हमारे पास 40, सी है हमारे पास 33 और डी है हमारे पास -3 2। तो प्यारे बच्चों आप ये ध्यान रखोगे, जैसे ए बी सी डी ए की ऑर्डर में चलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ए बी सी डी इस तरह से नहीं करेंगे, यहां ये लिख के यहां बी सी डी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन या तो आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, बीच में स्किप मत करें कोई भी। अब आपको क्या करना है कि ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम में मींस ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी, स्लोप ऑफ डी सी, और इसी तरह से ये इक्वल दिखाना है, तो इसका मतलब ए बी अगर ये दिखा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी जो साइड है वो पैरेलल हो जाएगी डीसी के। ठीक इसी तरह से हम दिखा देंगे कि स्लोप ऑफ ए डी दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो ये इक्वल दिखा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल हो जाएगी बीसी के, हम कह सकते हैं सो ए बी सो द पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए एक हिंट पहले लिखा है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि स्लोप किस तरह से निकालते हैं, ये आपके लिए हिंट लिख दिया मैंने कि आप सबसे पहले क्या करेंगे ए बी की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1। फिर आप स्लोप ऑफ डीसी निकालेंगे, दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ए बी और डीसी पैरेलल होगी। ठीक इसी तरह से स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बीसी निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे तो इसका मतलब ए डी और बीसी भी पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, यानी कि ए बी सी डी जो पॉइंट्स है चार ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपके लिए 9th क्वेश्चन के लिए हिंट दिया है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।